नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज पीके में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। इसी के साथ रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मामला टीकमगढ़ जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत चंदेरा का है, जहां एक ओर देखा यह भी जा रहा है कि संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू कर जनता कर्फ्यू है। एक जगह चार लोगों से अधिक एकत्रित होने पर वैधानिक कार्रवाई करने का सख्त आदेश है। वहीं चंदेरा के चंदेल कालीन तालाब में बिना अनुमति के सैकड़ों लोगों के द्वारा एक जगह पर एकत्र होकर तालाब से मछलियों को पकड़कर व्यापार किया जा रहा है। इस संपूर्ण मामले में जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी तमाशाबीन बने हुए हैं, जहां यदि कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा है तो पुलिस के द्वारा उसे रोककर मुर्गा बनाकर लाठियों से पीटा जा रहा है, तो वहीं सैकड़ों लोग एकत्र होकर एक जगह से मछलियों का व्यापार कर रहे हैं और इन पर कोई रोक टोक भी नहीं हो रही है। यदि इसी तरह की उच्चाधिकारियों द्वारा लगातार अनदेखी की जाएगी तो इस महामारी से निजात पाना नामुमकिन है। अब तक सबसे ज्यादा मामले टीकमगढ़ जिले से ही देखने को मिल रहे हैं, जहां लगातार मौतें भी हो रही हैं और चंदेरा में भी स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्टों से देखा जाए तो अब तक 15 से अधिक मौतें इस महामारी से हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस तरह की लापरवाही पर अनदेखी न करे, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चंदेरा से शैलेंद्र सिंह की बुंदेला की रिपोर्ट।